good morning students welcome to my new lecture of freehand sketch in last lecture i have discussed a question of freehand sketch of a split pin today i am going to start freehand sketch of foundation bolt i will discuss what is foundation bolt what is the use of foundation bolt and finally we will draw freehand sketch of foundation bolt आज हम लोग फाउंडेशन बोल्ट का फ्री हैंड स्केच देखने वाले हैं तो शुरू करते हैं वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू लेक्चर डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए तो देखते हैं फाउंडेशन बोल्ट होता क्या है फाउंडेशन बोल्ट एक तरह का कनेक्ट करता है स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट को कंक्रीट से कंक्रीट मतलब जो सीमेंटेड पोर्शन होता है जो हम लोग नीचे में फाउंडेशन बनाते हैं आपने ध्यान दिया होगा जब किसी भी जनरेटर को हम लोग रखते हैं या फिर किसी हैवी मशीन को रखते हैं तो नीचे में हम प्रॉपर फाउंडेशन बनाते हैं उसके ऊपर हम लोग मशीन को रखते हैं तो फाउंडेशन बनाने के बाद हम लोग हम लोग क्या करते हैं उसमें कुछ बनाते टाइम ही हम लोग बोल्ट को वहाँ पर रख देते हैं बोल्ट वहाँ पर लगा देते हैं ताकि जब वो मशीन का नीचे का बेस हो उसे हम लोग उस बोल्ट में टाइट कर पाए आप इमेज देखो इमेज से आपका ज़्यादा क्लियर होगा ऐसा कुछ हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं ये हमारा फाउंडेशन है उसमें बोल्ट लगा हुआ है ताकि जो भी यहाँ पर हम लोग एलिमेंट या नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट यहाँ पर लगाने वाले हैं मतलब जो स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है नॉन स्ट्रक्चरल पार्ट उसको बोलते हैं नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट बोलते हैं वो इस पर एस्टेब्लिश कर दें और इसको इस पर लगा दें और उसको नट से हम लोग टाइट कर दें तो बोल्ट हमारा लगा हुआ है यहाँ पर आप देख रहे हो सिक्स यहाँ पर फाउंडेशन बोल्ट नज़र आ रहा है आपको तो यहाँ पर सिक्स फाउंडेशन बोल्ट हमने लगाया है फाउंडेशन बोल्ट वैसा बोल्ट होता है जो हम लोग फाउंडेशन में लगाते हैं इसके ऊपर हम लोग कुछ हैवी मशीन या हैवी एलिमेंट रखते हैं फॉर एग्जाम्पल एक आप और और भी देखे होंगे आप लोगों ने स्ट्रीट लाइट जो हम लोग यूज़ करते हैं या पॉल लगाते हैं स्ट्रीट में गली में आप कभी पॉल देखे होंगे या शहरों में आप पॉल देखे होंगे नीचे में जो वहाँ पर है प्रॉपर फाउंडेशन बनाकर उसे नट बोल्ट से टाइट किया जाता है, है तो जो बोल्ट लगा होता है उसी को हम लोग फाउंडेशन बोल्ट बोलते हैं क्योंकि तो वहाँ पर ऑलरेडी कंक्रीट में ही हम लोग बोल्ट को फिक्स कर देते हैं और उसके ऊपर फिर हम लोग उस एलिमेंट को रख नट से हम लोग टाइट कर देते हैं आप यहाँ पर देख रहे होगे गए यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये यह कनेक्टेड है नीचे में फाउंडेशन यहाँ पर दिख रहा होगा फाउंडेशन बना हुआ है यहाँ बोल्ट लगा हुआ है उसमें हमने हमने क्या किया इस पॉल को लगा दिया इस स्ट्रीट लाइट का जो पॉल है उसको हमने लगा लिया और यहाँ पर इसको नट से हमने टाइट कर लिया तो यही फाउंडेशन का काम यही होता है कि नीचे में प्रोपर फाउंडेशन बनाकर उसमें बोल्ट लगा देना और फिर उसके ऊपर जो भी हमें मेटे एलिमेंट लगाना है वो हम लोग लगा लेते हैं आप देखो यहाँ पर ये पॉल वॉल आप देखे हो स्ट्रीट में लगा होता है वहाँ पर देखो यहाँ पर प्रॉपर फाउंडेशन बोल्ट से ये यहाँ पर नट लगा हुआ है बोल्ट फाउंडेशन में लगा हुआ है उस, उसे नट से क्या किया गया है टाइट कर दिया गया है और वो इस्टेब्लिश वहाँ पर हो गया है अब वर्कशॉप में भी देखे होंगे मशीन लगा हुआ होता है मशीन को भी प्रॉपर फाउंडेशन बोल्ट लगाकर फाउंडेशन बनाकर उसमें बोल्ट लगाकर हम लोग क्या करते हैं मशीन को वहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं मशीन को वहाँ पर लगाते हैं और उसे फिर प्रॉपर टाइट कर देते हैं ताकि जब हम लोग मशीन को रन कराएँ तो वहाँ पर वाइब्रेशन नहीं हो मशीन वहाँ पर वाइब्रेट नहीं करे या फिर हैवी जनरेटर जो आपने देखा होगा वहाँ पर वो भी प्रॉपर फाउंडेशन बनाकर वहाँ पर अंदर में कुछ मटेरियल भी डाला जाता है फाउंडेशन बनाते टाइम और फिर बोल्ट लगा दिया जाता है तो यहाँ पर हम लोगों को फाउंडेशन बोल्ट से मतलब है तो फाउंडेशन बोल्ट आपने समझ लिया कंक्रीट में हम लोग नीचे में बोल्ट लगाते हैं मतलब तो कभी हैवी मशीन का फाउंडेशन बनाने के लिए हम लोग बोल्ट लगाते हैं और वहाँ पर फिर बोल्ट नट से उसको मशीन को वहाँ पर टाइट कर देते हैं तो ये फाउंडेशन बोल्ट होता है इसी का हमने यहाँ पर फ्री एंड स्केच पढ़ना है ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में आया हुआ है फाउंडेशन बोल्ट का लास्ट ईयर ही टू दिसंबर में ही आया हुआ है तो ये क्वेश्चन फिर भी आ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको ध्यान देना है इसको तो आगे देखते हैं कैसा दिखता है फाउंडेशन बोल्ट नीचे में अंदर में कैसा होता है बाहर में तो आपको दिख गया कि ऊपर में बोल्ट नट लगा रहता है ऐसे करके यहाँ पर यहाँ पर नट लगा देंगे यहाँ पर नट लगा देंगे लेकिन नीचे में अलग अलग शेप का तो होता है कहीं पर आप, आपको दिखेगा एल शेप में ऐसे है यहाँ पर कंक्रीट ऐसे रखा हुआ है कंक्रीट भरा हुआ है यहाँ पर सीमेंटेड पोर्शन है ये इतना थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है उसी तरह से यहाँ पे भी दिख सकता है यहाँ पर थोड़ा सा राउंड करके बना दिया गया है और यहाँ पर ये यह थोड़ा सा रड लगा दिया गया है और यहाँ पर ये यह कंक्रीट के अंदर ये सब डाल दिया जाता है ये मटेरियल के अंदर रहता है कंक्रीट के अंदर रहता है थोड़ा सा पोर्शन बाहर में निकाल दिया जाता है ताकि उस पर मशीन या पॉल जो स्ट्रीट का पॉल होता है वो उस पर लगा दिया जाए ये लास्ट वाला देख लो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्वायर टाइप का दिख रहा है यहाँ पर बोल्ट जैसा दिख रहा है एक्जागोनल भी यहाँ पे हो सकता है स्क्वायर भी हो सकता है और ये पोर्शन अंदर रहता है ये सब यहाँ पर कंक्रीट है इसलिए इसको हैचिंग हैचिंग करके दिखाया गया है और यहाँ पर ये जो है ऊपर में जो हम लोग फाउंडेशन मटेरियल लगाए हैं वो है और बाहर में फिर यहाँ पर नट और बोल्ट लगा हुआ है उसी पर हम लोग मशीन को वहाँ पर लगा लेते हैं और फिर नट नट से टाइट कर लेते हैं अब जो हमने यहाँ पर ड्रॉ करना है वो कैसा कैसा हम ड्रॉ कर सकते हैं उसका वेरिएशन आप देख लो आप इतने तरीके से आप ड्रा कर सकते हैं अलग अलग फाउंडेशन बोल्ट होता है ये जो फर्स्ट वाला है वो आई फाउंडेशन बोल्ट है ये आई टाइप का है यहाँ पर ऐसे करके इसको हम लोग जब बनाएंगे तो इसको करके ऐसे करके ऐसे हम लोग बना लेना है और बीच में एक रड लगा देते हैं और ये सब मटेरियल जो होता है ये जो ऐसे ऐसे दिखाया जा रहा है वो कंक्रीट है वो अंदर में रहता है इसलिए वो अंदर में दिखाया जा रहा है ये इसके अंदर इसके अंदर यहाँ पर है ये जो है मटेरियल हमने लगाया है जिसको हमने टाइट करना है उसको हम लोग नट से लगा कर यहाँ पर टाइट कर दिए हैं तो ये आई फाउंडेशन बोल्ट है आप बनाने के लिए ये भी बना सकते हो बहुत एसिलेंट एग्जाम में ये भी बनाते हैं ये आपको है बेंड फाउंडेशन बोल्ट थोड़ा सा बेंड कर दिया जाता है बेंड करने करके यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा बना दिया जाता है ताकि वो ईज़िली बाहर रिमूव ना हो जाए इसलिए यहाँ पर बेंड टाइप का फाउंडेशन बोल्ड लगा दिया जाता है और फिर ये यहाँ पर हेक्सागोनल नट लगा हुआ है जिससे हम लोग इस मटेरियल को यहाँ पर इस जो हैचिंग हैचिंग किया हुआ है इस मटेरियल को हम लोग टाइट करते हैं अब ऐसा भी आपको रैग फॉर फाउंडेशन बोल्ड भी नज़र आता है कुछ लोग ऐसे भी ड्रॉ करते हैं ऐसे 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 करके भी ड्रॉ करते हैं और ऐसे 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 भी ड्रॉ करते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हो बनाने के लिए आप ऐसे भी बना सकते हो ये रैक फाउंडेशन बोल्ट है ये भी एक तरह का फाउंडेशन ही बोल्ट है फिर ये आप देख लो लेविस फाउंडेशन बोल्ट आपको नज़र आ रहा है लेबिस फाउंडेशन बोल्ट में कैसा होता है ऐसे करके ऐसे होता है स्ट्रेट होता है और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ होता है ये मटेरियल जो होता है पूरा का पूरा अंदर फाउंडेशन के अंदर होता है और बाहर में फिर नट यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिख रहा है वो नट नज़र आता है ये सबसे सिंपल वाला है यहाँ पर हेक्सागोनल नट लगा हुआ है या स्क्वायर नट भी लगा सकते हैं मतलब हेड हो गया एक तरह का बोल्ट का हेड हो गया वो नीचे में रहता है ये बोल्ट का शैंक पोर्शन हो गया शैंक पोर्शन बाहर आता है यहाँ पर ये मटेरियल जिसे जिसे हमें टाइट किया है वो है यहाँ पर वाशर लगा हुआ है यहाँ एक्जागोनल नट्स इसको लोग टाइट कर दिए हैं ये सब कंक्रीट के अंदर है इतना पोर्शन जो है वो कंक्रीट के अंदर है वो हैचिंग करना है वो हैचिंग कर, कर दिया गया है उसको ये हमने यहाँ पर देख लिया है एग्जाम में कभी भी ये नहीं बोलता है कि कौन सा आपको ड्रॉ करना है आई करना है कि बेंट फाउंडेशन बोल्ट करना है या रैग फाउंडेशन बोल्ट करना है या लेविस फाउंडेशन बोल्ट करना है एग्ज़ाम में आपके कभी भी बोलेगा नहीं आपको एग्ज़ाम में सिर्फ देता है ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ फाउंडेशन बोल्ट फाउंडेशन बोल्ट सिर्फ हमें ड्रॉ करना है तो आपको इनमें से जो भी आसान लगता है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं मेरे हिसाब से सबसे ईजी ये है यहाँ पर हमने हेड बना देना है ऊपर में नट बना देना है यहाँ पर वर्टिकल लाइन मिला देना है और बाहर का हैचिंग कर लेना है तो सबसे आसान इजी है तो हम लोग इसी टाइप का बनाते हैं एक क्वेश्चन देख लेते हैं आप इसको भी बना लोगे तो आपका फाउंडेशन बोल्ट वो हंड्रेड परसेंट सही है ज़रूरी नहीं है कि आपको ये बेंट वाला ही बनाना है अगर आपको ये बेंट वाला अच्छा लगता है या आपको इसको ड्रा कर सकते है, फ्री हैं फ्री हैंड तो आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि हमें फ्री हैंड बनाना है तो जितना ईजी रहे उतना हम आसानी से बना सकते हैं तो क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ फाउंडेशन बोल्ट फाउंडेशन बोल्ट का फ्री हैंड स्केच यहाँ पर देखना है ये हमारा फ्री हैंड स्केच का लास्ट टॉपिक है आज हमारा लास्ट लेक्चर है फ्री हैंड स्केच का इसके बाद हम लोग मिसिंग व्यू एक दो दिन में स्टार्ट कर देंगे तो फ्री हैंड स्केच हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस में जो भी आपका दिया हुआ है वो हमने कंप्लीट कर लिया है पूछने के लिए बाहर से भी पूछ लेता है कपलिंग पूछ लेता है फ्रेंच कपलिंग का भी पूछ लेता है तो पूछने के लिए बाहर से भी पूछ लेता है लेकिन जो हमने पढ़ना था वो हम लोग पढ़ लिए हैं क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं फ्री हैंड स्केच है, हमें फाउंडेशन बोल्ड का बनाना है तो सबसे सिंपल वाला मैंने यहाँ पर लिया है जिसको हम लोग ईजिली बना सकते हैं यहाँ पर क्योंकि हमें फ्री हैंड बनाना है तो जितना सिंपल रहेगा उतना आसान रहेगा तो यहाँ पर देख लेते हैं ये जो लाइट थोड़ा सा दिख रहा है जो ब्लैक पूरा नहीं है थोड़ा ग्रे ग्रेस टाइप में दिख रहा है ये क्या है ये फाउंड ये कंक्रीट मटेरियल है सीमेंटेड पोर्शन है ये सीमेंट वाला पोर्शन है जो हमने बाद में फिल किया पहले हमने क्या किया बोल्ट को यहाँ पर लगा लिया ये हेड है इसका एक्जगोनल हेड है ये इसका शैंक है शैंक है ये मटेरियल हमने यहाँ पर टाइट करना था इस कंक्रीट पर रखकर तो ये हमारा मटेरियल है या फिर आप पॉल का समझ लो या कोई मशीन का लोअर बेस समझ लो कि बेस का एक पार्ट है जो जिसको हम लोगों ने नट से वाशर से टाइट किया है ये वाशर लगा दिया गया है और ये नट एक्सगर नट लगा हुआ है और ये बोल्ट का इस वाले पोर्शन का ही थ्रेडेड पोर्शन बाहर में निकला हुआ है जिसपे हम लोग नट को टाइट करते हैं तो इसी को हमने ड्रॉ करना है तो काफ़ी ईजी है आप ईजली ड्रॉ कर सकते हैं इसको तो सबसे पहले हमने बोल्ट का ही पोर्शन बना लेना है बोल्ट का लोअर पोर्शन बना लेते हैं हेड बना लेते हैं फिर ऊपर की तरफ चले जाएंगे और लास्ट में फिर इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ हैचिंग हैचिंग कर लेंगे तो हमने ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले बगल में ही ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर स्पेस है अपने पास सफिशियंट तो सबसे पहले ये बना लेंगे फिर एग्जागनल नीचे में जैसे हम लोग बनाते थे वैसे बना लेंगे बना लेते हैं यहाँ पर और लाइन हम लोग ले लेते हैं छोटा यहाँ पर हेड हम लोग बना रहे हैं एग्जागनल बोल्ट का हाँ बनाने के लिए स्क्वायर बोल्ड भी यहाँ पर बना सकते हो वैसा कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पर एग्जा है तो एक्सा ही बना लेंगे स्क्वायर भी बनाने के लिए बना सकते हो थोड़ा सा आप देख लोगे फ्री हैंड आपको बनाना है पहले बीच वाला मिला लेते हैं फिर तो यहाँ ये यह हम लोग मिला लिए ये मिला लिए ये लास्ट वाला तो थोड़ा सा यहाँ पे रह इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे करके अब इसको स्ट्रेट लाइन से मिला लेते हैं क्योंकि वो शैम्फट किया रहता है चैम्फट किया रहता है चैम्फर्ट करने पर हमें थोड़ा सा ऊपर में अलग से एक लाइन स्ट्रेट लाइन मटेरियल दिखता है और बाकी का इधर का पोर्शन चैम्फर्ट रहता है तो वो राउंड टाइप का वो दिख रहा होगा वो चैम्फर्ट किया हुआ है अब क्या करना है बीच वाले पोर्शन को वर्टिकली अपवर्ड क्योंकि हमें शैंक बनाना है तो शैंक बनाने के लिए हमें वर्टिकली अपवर्ड बीच वाले पोर्शन को ले जाना होगा तो यहाँ पर शैंक हम लोग इस वाले बोल्ट का बनाते हैं ऊपर की तरफ ले जाते हैं थोड़ा सा वर्टिकली होना चाहिए थोड़ा प्रैक्टिस करो एक दो बार मैं स्क्रीन पर ड्रॉ करता हूँ तो थोड़ा सा मेरा टिल्ड हो जाता है उधर मानते हैं ये स्ट्रेट है आप इसको ठीक कर लोगे ये पोर्शन को ठीक कर लेते हैं फिर से ये हो गया इसके बाद हम लोग ये पोर्शन बना लेते हैं ये जो, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है जो किसी एलिमेंट का पोर्शन है वो हम लोग बना लेते हैं बोल्ट का हमने पोर्शन बना लिया यहाँ तक एलिमेंट का पोर्शन ऊपर में बना लेते हैं हॉरिजॉन्टल इसी मटेरियल को हमने इसी एलिमेंट को हमने नॉन स्ट्रक्चर एलिमेंट इसी को हमने टाइट किया है इस फाउंडेशन बोल्ट और नट की हेल्प से ये हमने यहाँ पर बना लिया मैं स्क्रीन पर ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा वेव टाइप का दिख रहा होगा लेकिन आप जब स्मूथ शार्प पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो वो थोड़ा ठीक दिखेगा यहाँ पर स्क्रीन पर ड्रॉ होने की वजह से ऐसा दिख रहा है ये हमने बना लिया है यहाँ पर अब हम लोग नीचे में जो कंक्रीट का पोर्शन है वो हम लोग बना सकते हैं लाइट पेंसिल थोड़ा यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा बाहर निकाल कर यहाँ कंक्रीट का पोर्शन बना लीजिए यहाँ पर कंक्रीट है थोड़ा सा अलग कलर से उसको थोड़ा लाइट कर लेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस हम क्रिएट कर पाएंगे ये सब जो बोल्ट का हेड रहता है वो कंक्रीट के अंदर ही रहता है तो उसको अंदर ही हम लोग रख लेंगे थोड़ा सा ट्रिल जा रहा है वो स्ट्रेट नहीं जा रहा है थोड़ा सा आप छोटा भी बना सकते थे ऊपर का अगर आप जो एलिमेंट का स्ट्रक्चर एलिमेंट का पोर्शन बनाया वो छोटा हो जाता तो हमारा काम हो सकता था इसको हम लोग ऐसे ऐसे कुछ शो कर देंगे ऐसे ऐसे मतलब वो मटेरियल को शो कर रहा है कि वो कंक्रीट पोर्शन है ये सब कंक्रीट को शो कर रहा है ऐसे ऐसे पूरे में मैं बना लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ ये हमने कंक्रीट बना लिया है आप, कंक्रीट आप ऐसे ही बना सकते हो स्ट्रेट लाइन से भी कहीं कहीं शो किया हुआ रहता है ऐसे हैचिंग हैचिंग करके भी शो किया रहता है आप ऐसे भी शो कर सकते हो या कंक्रीट को कंक्रीट जैसा भी थोड़ा सा शो कर सकते हो ये हमने बना लिया है ये भी हमने ये पोर्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया अब हमने वाशर बनाना है और उसका नट का पोर्शन बनाना है फिर बोल्ड में हमने थ्रेड दिखाना है तो बना लेते हैं यहाँ पर वाशर पहले शो कर लेते हैं वाशर शो करने के लिए हमने थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट हमें थोड़ा सा कट करना होगा यहाँ पर मानते हैं ऐसे होगा और यहाँ पर ऐसे होगा दोनों तरफ इक्वल ही रखना आप हमने बना लिया वाजर टच पेन सा थोड़ा सा ज़्यादा उसका टिप का साइज़ ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा ड्रा करने में प्रॉब्लम होता है आप अपना पेंसिल का शार्प पेंसिल रखोगे तो वहाँ सही ड्रा होगा वो अब हमने यहाँ पर बोल्ट नट बनाना है तो नट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ऊपर में एक नट बनाना है ये आप देखो ये नट हमने बनाना है तो नट बना लेते हैं यहाँ पर नट बनाने के लिए हमने क्या करना होगा थोड़ा सा वर्टिकली अपवर्ड एक्जागर्नल नट मैंने यहाँ पे बनाया है थोड़ा सा हाइट कम है मेरा आप उसको सही सही हाइट दोगे जितना हाइट यहाँ पर है जितना हेड का हाइट हमने लिया है नीचे में उतना हाइट लेकर आप बना लोगे अब एक्जाकनल नट के बाद हमें ये बोल्ट का थोड़ा सा थ्रेडेड पोर्शन बाहर में रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ नजर आ रहा है तो जितना हमारा ये बोल्ट था वहाँ पर हम लोग यहाँ पर नीचे का जो ये डायमीटर था सेम डायमीटर के ऊपर में हमने वहाँ पर थ्रेडेड पोर्शन का कम्प्लीट कर लेना है इसको थोड़ा अपवर्ड लेकर चल जाते हैं यहाँ से ऐसे और ऐसे मानते हैं यहां तक होगा ये ऐसे करके हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा शो कर देना होगा इसी में हम लोग थोड़ा थ्रेड शो कर देंगे ऐसे ऐसे इंक्लाइन लाइन से ऐसे करके ये जो होगा थ्रेड को शो कर देगा ये थ्रेड पोर्शन शो कर रहा है आप यहां पर ये यह जो मटेरियल है इसको आप डार्क दिखाना है तो आप हैचिंग करके भी दिखा सकते हो क्योंकि वो हमारा जो नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट था जिसको हम हमने टाइट किया है ये वाशर और नट लगाकर और फाउंडेशन बोर्ड लगाकर उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप इसको ऐसे करके हैचिंग करके दिखा देना क्योंकि वो मटेरियल को शो कर रहा है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है पॉल हो सकता है या मशीन का बेस हो सकता है ये कुछ भी पोर्शन हो सकता है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए आप उसको हैचिंग कर देना ये हमने बना लिया है ये पोर्शन जो है रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है वो हमारा कंक्रीट को शो कर रहा है जो नीचे में हमने सीमेंटेड पोर्शन ये डाला है ब्रिक्स सीमेंट जो डाला है या फिर आप पेबल्स डाला है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये फाउंडेशन बोल्ट का ये हेड है समझ लो कि आप एक तरह का बोल्ट है बोल्ट का हेड है ये शैंक है और ये नट ऊपर लगा हुआ है ये थ्रेडेड पोर्शन है ये हमने कंप्लीट कर लिया सबसे इजी फाउंडेशन बोल्ट है आप एग्जाम में इसी को बना लोगे तो आपका 100 परसेंट मार्क्स मिल जाएगा और नीचे में लिख लेना फाउंडेशन बोल्ट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने का जरूरत तो नहीं है अगर आप प्रीवियस जो मैंने फोर फिगर दिखाया तो उनमें से अगर आप किसी को और को भी ड्रा कर सकते हो या आपको लगता है कि मैं वो ड्रॉ करूँगा तो आप वो भी ड्रॉ करके कर बना सकते हो आपके पास इमेज मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ आप वहाँ पर पाउस करके आप उसको खुद से ड्रॉ कर सकते हो आप देख सकते हो अलग अलग नेम है यहाँ पर तो यहाँ पर आप डायरेक्टली फाउंडेशन बोल्ट देना एग्जाम में सिर्फ फाउंडेशन बोल्ट ही देता है कि ड्रॉ फाउंडेशन बोल्ट या फ्री हैंड स्केच ऑफ फाउंडेशन बोल्ट क्वेश्चन हमने आज का कंप्लीट कर लिया है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था फ्री हैंड स्केच का जो टॉपिक आपके एग्जाम जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो टॉपिक हमने यहाँ पर कवर कर लिया है अब एग्ज़ाम में कभी कभी कपलिंग पूछ देता है कभी फ्लेंच कपलिंग पूछ लेता है कभी कभी कुछ ज्वाइंट पूछ देता है तो वो सब एक्स्ट्रा पूछ लेता है तो वो सब थर्ड सेम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ना है जो एम e. एक पेपर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग वहाँ पर पढ़ना है तो वो आने दीजिए अगर आता है तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें एलिमेंट पढ़ना है टेलर स्टॉक पढ़ना है स्क्रू चेक पढ़ना है तो पूछने के लिए वो कुछ भी दे सकता है इसलिए हर एक चीज़ को तो हम लोग यहाँ पर कवर नहीं कर सकते ना जो आपके सिलेबस में है वो मैंने यहाँ पर कवर करा दिया है नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिसिंग व्यू स्टार्ट कर लेंगे तो जो आपका फ्री हैंड स्केच है उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो सिलेबस से बाहर आता है वो याद करना भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आपको फ्रेंच कपलिंग याद करना होगा फ्रेंच कपलिंग क्या होता है उसको कैसे हम लोग बनाते हैं उसके फिगर को मेमोराइज करना भी काफ़ी टफ हो जाता है तो इसलिए वो सब आपको ध्यान में नहीं रखना है जो पोर्शन यहाँ पर कवर करा दिया जा रहा है वो आप कवर कर लीजिए और अगर वो सब पोर्शन आता है तो एक ऑप्शन में ज़रूर रहता है ये सब जो फाइव मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर कभी कभी सेम क्वेश्चन दे देता है लेकिन जो टेन मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं वहाँ पर एक ऑप्शन में देता है और वो ऑप्शन फ्री हैंड स्केच से अलग होता है आप देखोगे जितना भी प्रीवियसर क्वेश्चन है वहाँ पर एक ऑप्शन देता है और वो फ्री हैंड स्केच से अलग होता है जो फाइव मार्क्स का क्वेश्चन अब तक आया है बोल्ट का नट का या फाउंडेशन बोल्ट का वहाँ पर कभी कभी किया है कि सेम क्वेश्चन मतलब दोनों फ्री हैंड स्केच से ही दे दिया है तो कभी कभी ऐसा करता है तो मैं मैंने फाइव मार्क्स का सारा क्वेश्चन आपका कवर करा दिया ये सब जो भी फ्री एंड स्केच हमने देखा ज़्यादातर चांस फाइव मार्क्स में ही आते हैं इसका आने का तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में मैंने दिया था वो देख लेते हैं यहाँ पर द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यू रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ सॉलिड ऑन फ्लैट सरफेस इज कोई भी फ्लैट सरफेस पर किसी सॉलिड को हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है ऑर्थोग्राफिक व्यू में तो मिनिमम नंबर ऑफ कितना व्यू रिक्वायरमेंट होता है उसका ऑर्थोग्राफिक व्यू मिनिमम नंबर ऑफ कितना ऑर्थोग्राफिक व्यू रिक्वायरमेंट होता है तो आपको ध्यान में होगा जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन करते थे ऑर्थोग्राफिक व्यू का फ्रंट व्यू टॉप व्यू या साइड व्यू तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू से हमारा काम हो जाता था या जा किसी क्वेश्चन में साइड व्यू फ्रंट व्यू से काम हो जाता था मतलब तो कहने का मतलब है कोई कितना हम मिनिमम नंबर ऑफ व्यू बना दें कि हम उस सॉलिड का हाइट को विथ को लेंथ को रिप्रेजेंट कर पाया तो हम अगर दो व्यू बनाते हैं फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाते हैं तो वहाँ पर हम उसके हाइट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके विथ्थ को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि टॉप में अगर हम लोग उसका लेंथ रिप्रेजेंट करना है फ्रंट में हम लोग देख लेंगे तो हम हमें नज़र आ जाएगा कुछ हाइट नज़र आ जाएगा टॉप में देख लेंगे तो उसका विथ्थ नजर आ जाएगा उसका हाइट हमें दिख गया लेंथ हमें फ्रंट व्यू में नज़र आ ही जा रहा है तो हमें काम हो जा रहा है आप देखोगे कोई भी प्रिज है अगर हम लोग प्रिज्म को शो करते हैं यहाँ पर ये हमने शो कर दिया तो इसका हाइट हमें फ्रंट व्यू में शो हो जा रहा है इसका लेंथ क्या है वो भी हमें शो हो जा रहा है इसका विथ्थ क्या है वो हमें टॉप में शो हो जा रहा है तो मतलब अगर दो व्यू बना दें मिनिमम तो हमारा लगभग लगभग ऑर्थोग्राफिक व्यू में हम हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं किसी भी सॉलिड को इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राइट right आंसर आज का क्वेश्चन देख लेते हैं द फॉलोइंग लाइन इज़ यूज फॉर विजिबल आउटलाइन आउटलाइन के लिए विजिबल आउटलाइन के लिए हम लोग कौन सा लाइन यूज़ करते हैं वो बताना है फर्स्ट है कंटिन्यूस थिक कंटीन्यूस थिन सेकेंड है सी है चैन थीन लाइन डी है शॉर्ट एग्जैक्ट थीन तो इसमें से जो भी राइट आंसर होगा आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा हमने प्रोशन ऑफ सॉलिड में काफ़ी बार इसको यूज़ किया है जो विजिबल आउटलाइन है वो हम लोग कैसे शो करते हैं आपको बार बार बताया जाता था तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया है वीडियो के यहीं पर स्टॉप करते हैं वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच वीडियो से जो भी रिलेटेड डाउट होगा वो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फेसबुक पेज है वहाँ पर भी पूछ सकते हैं या इंजीनियर सुधार ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके यहीं पर स्टॉप करते हैं वीडियो को थैंक यू सो मच